हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। माय सेल्फ सिद्धि, टुडे आई विल गोइंग टू टेल यू अबाउट एमएस एक्सेल। यस, आज मैं आपको एमएस एक्सेल के बारे में बताऊंगी। एमएस एक्सेल को आप स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कैसे एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं, क्या उसका इंटरफेस होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला टॉपिक है आपका कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई विल ओपन एमएस एक्सेल। सो देर आर टू मेथड टू ओपन एमएस एक्सेल। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन स्क्रॉल इट डाउन एंड यू विल सी द एम आइकन गिवन ओवर देयर। आप स्क्रॉल करके नीचे तक जाओगे, फिर आप देखोगे एक फोल्डर होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। इस फोल्डर में माइक्रोसॉफ्ट के सारे टूल्स होंगे, लाइक एमएस वर्ड मींस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड मैनी मोर। देखिए, मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करती हूँ, आपके सामने वैरायटी ऑफ लिस्ट आएगी, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, इट मींस एमएस एक्सेल। ओके, सेकेंड मेथड क्या है, डायरेक्टली आप सर्च बार में एक्सेल टाइप कर दीजिए। आई एम टाइपिंग इट, देन आई विल क्लिक ऑन एक्सेल 2016। मैंने क्लिक किया और इफ यू विल सी एनी डायलॉग बॉक्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन क्लोज इट। ओके, सो लेट मी मैक्सिमाइज इट। आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा जब आप एम एस एक्सेल ओपन करोगे। यू विल चूज ब्लैंक वर्कबुक। ओके ओके, सो जब आप एम एस एक्सेल ओपन करोगे, यू विल सी दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। आपको इस टाइप से दिखेगा, जिसमें आपको ये सम हाउ टेबल की तरह लग रहा है। सो एक्सेल होता क्या है? एक्सेल इज बेसिकली इज यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। मीन्स आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, लाइक एडिशन निकालना है, सब्सट्रैक्शन निकालना है, या एवरेज परसेंटेज निकालनी है। मीन्स कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, देन वी विल यूज एक्सेल। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। सो इफ मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है तो आई विल ओपन अप एम एस एक्सेल। इफ मुझे कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, देन आई विल स्विच ओवर एम एस वर्ड। सी, दिस वन इज द आइकन ऑफ एम एस वर्ड। ओके, सो अब मुझे इफ आई वॉन्ट टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मीन्स मुझे स्लाइड्स के फॉर्म में डेटा अरेंज करना है, आइदर विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, आप ट्रांजिशन लगा सकते हो उसमें, एनिमेशंस लगा सकते हो। तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहो जिससे आप अपना कंटेंट इजीली सामने ऑडियंस को समझा सको, यू विल मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो दिस इज द सिंबल ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, सो आप समझ में आ गया तीनों में डिफरेंस। एम एस वर्ड कब ओपन करते हैं, क्यों वर्क करते हैं इसमें, पावर पॉइंट कब यूज़ करते हैं, एक्सेल कब यूज़ करते हैं। ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी थिंग with the first I will start the title bar. So let me open the magnifier so that I will show where is the title bar. So this one where it is written book 1 excel. So ye jo name likha hai, it is called title bar. Yes, title bar kya hota hai, jahan par aapki file ka name likh ke aata hai. So it is called title bar. Ab samajh mein aa gaya, title bar kahan present hota hai, एकदम टॉप पे। मींस टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन वेयर नेम ऑफ द फाइल इट इज गिवन। बाय डिफॉल्ट मैंने अभी कुछ नाम नहीं रखा था, देन इट विल टेक बुक वन। बुक वन लिया है, इफ आप नेम चेंज करना चाहो यू कैन चेंज इट। इफ आप न्यू एप्लीकेशन, फिर से एप्लीकेशन ओपन करके से दोबारा वर्क कर रहे हो एक्सेल में, देन इट विल बुक टू। ओके, सो बाय डिफॉल्ट बुक वन होता है, इफ आपने न्यू ओपन करी देन इट विल बी बुक टू। ओके, सो दिस इज द टाइटल बार जहाँ आपका नेम लिख के आता है। इसी टाइटल बार के हम इफ लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करें, यू विल सी सम आइकन्स गिवन ओवर देयर। ओके, विच आई एम मेकिंग द रेक्टेंगल बॉक्स हियर। सो व्हाट इज दिस, दीज आर द आइकन्स गिवन ओवर देयर। यस, this icon is used frequently, that's why the name of this particular left section is called quick access toolbar. इस area को बोलते हैं quick access toolbar, क्यों? because इसमें जो tools present होते हैं like
सेव हो गया, अंडू हो गया, दिस वन इज द अंडू सिंबल, दिस वन इज रीडू. ओके, सो दिस वन इज सेव, दिस वन इज अंडू, दिस वन इज रीडू. एंड इफ योर लैपटॉप इज टच स्क्रीन देन इट विल शो द फिंगर आइकन हियर, अदरवाइज इट विल नॉट. यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया है जिस पे आप क्लिक करके आप कोई भी ऑप्शन या क्लिक लगा सकते हो. लाइक मुझे इफ आई विल वॉन्ट स्पेलिंग चेक फीचर, आई वॉन्ट प्रिंट प्रीव्यू. देखो मैंने प्रिंट प्रीव्यू ऐड किया है. नाउ प्रिंट प्रीव्यू मैंने क्लिक किया था ड्रॉप डाउन मेन्यू में, ये पर्टिकुलर आइकन मेरा ऐड हो गया. इफ मुझे इसको रिमूव करना है देन आई विल अगेन क्लिक इट ऑन. देखो ये हाँ मेरा आइकन रिमूव हो गया. सो क्विक दिस एरिया इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार बिकॉज इन दिस एरिया वॉट एवर द आइकन इज गिवन, आप कुछ ऐड भी कर सकते हो. दीज आइकन आर एक्सेस क्विकली वाइल मेकिंग द डॉक्यूमेंटेशन, वाइल मेकिंग द एक्सेल शीट, चाहे आप डॉक्यूमेंट बनाओ चाहे एक्सेल शीट बनाओ. सो दिस एरिया इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल प्रेजेंट क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, सो टाइटल बार समझ में आ गया, उसके लेफ्ट साइड भी समझ में आ गया. नाउ कमिंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार. सो इन दिस देर आर सम आइकन्स गिवन ओवर देयर. दिस वन इज मिनिमाइज बटन, दिस वन इज रीस्टोर बटन, और यू कैन से मैक्सिमाइज बटन, दिस बटन इज क्लोज बटन. ओके, दिस बटन आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल, आई विल टेल द नेम. दिस बटन इज कॉल्ड रिबन डिस्प्ले बटन. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. व्हेन आई क्लिक ऑन मिनिमाइज बटन, सो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन, मैं एक्सेल शीट को मिनिमाइज कर रही हूँ, इट मीन्स ये मेरी कहाँ शो होगी, यस टास्क बार में शो होगी. ये एप्लीकेशन मेरी छोटी हो जाएगी और कहाँ विजिबल होगी, टास्क बार पे. सो लेट्स सी, मैं इसको मिनिमाइज पे क्लिक करती हूँ. देखो मेरी मिनिमाइज करने के बाद टास्क व्यू में दिस वन इज टास्क बार, टास्क बार में मेरी एप्लीकेशन विजिबल हो रही है. देखिए बुक वन नाम लिखा था, इफ आई विल क्लिक इट अगेन वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन मेरी ओपन हो जाएगी. सो फॉर एक्सप्लेनिंग द मैक्सिमाइज बटन लेट मी क्लोज द मैग्नीफायर. नाउ व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन मैक्सिमाइज बटन, सी इट विल नॉट अपेयर इन द टास्क बार, टास्क बार में शो नहीं हो रही है, बट इसका साइज छोटा हो गया है. इफ यू क्लिक इट अगेन देन यू विल सी द मैक्सिमाइज, मीन्स ये फुल व्यू में आपको विजिबल होगा. इफ आप क्लिक करते हो देखो इसका आइकन भी चेंज हो रहा है. दिस वन इज डबल आइकन, मीन्स मैक्सिमाइज हो गया है. जब आप इस पर क्लिक करते हो तो एक छोटी विंडो बन के आ रही है, दिस वन इज कॉल्ड रीस्टोर. फिर से क्लिक करोगे ये मैक्सिमाइज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट बटन इज क्लोज बटन. इफ यू क्लिक इट दिस क्लोज आइकन, मीन्स क्रॉस आइकन पे आप क्लिक करोगे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी. नाउ दिस बटन इज रिबन डिस्प्ले बटन. सो बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज रिबन, देन आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल. ओके, सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, एंड दिस वन इज दीज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन. सो कमिंग टू द टैब्स, लेट मी ओपन द मैग्नीफायर अगेन. सो जो टाइटल बार के जस्ट बिलो दी है, मीन्स दिस वन इज द टाइटल बार, इसके नीचे जो आपके कुछ नाम लिखे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, सो दीज आर कॉल्ड टैब्स. इसको हम क्या बोलते हैं, टैब्स. इफ आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो तो देखो इसका कलर हाईलाइट होगा, जैसे बाय डिफॉल्ट होम का है. आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट टैब, सी इंसर्ट टैब क्लिक हो गई है. नाउ यू विल सी ऑल द कमांड्स और ग्रुप्स ऑफ द इंसर्ट टैब. पेज लेआउट पे क्लिक करोगे, पेज लेआउट से रिलेटेड सारे ग्रुप्स और कमांड आप विजिबल कर पाओगे. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप एक्सेल शीट, इवन एमएस वर्ड या पावर पॉइंट ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होती है. यस, मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक करके बताया था आपको. सो बाय डिफॉल्ट कौन सी खुली थी, डिफॉल्ट में होम टैब खुली थी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस.
होम टैब इज़ द डिफ़ॉल्ट टैब, ओके। जब आप कोई भी एक्सेल शीट, एमएस वर्ड या पावर पॉइंट ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यस, तीनों में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और प्रेजेंट एक्सेल शीट, तीनों में होम टैब बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर द कॉल्ड टैब्स, टैब्स क्या होती हैं। सो जो ये पोर्शन आपको ग्रे पोर्शन दिख रहा है, मीन्स दिस ग्रे शेडेड पोर्शन जो आपको विजिबल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिबन। आई होप यू हैव यूज रिबन मैनी टाइम्स, इवन यू आर गर्ल्स यूजिंग दी रिबन इन दी हेयर, एंड इवन इफ यू आर पैक सम गिफ्ट, वी आर यूजिंग रिबन फॉर पैकिंग द गिफ्ट, ओके। सो आई होप यू वेरी वेल फिगर आउट द रिबन इमेज इन योर माइंड। सो इफ मैं यहाँ से सारे कमांड्स या जो भी ग्रुप्स दिए हुए हैं इसको हटा दूँ, ये एक रिबन की तरह लग रहा है, एक रेक्टेंगल शेप का रिबन है, यस। सो रिबन समझ में आ गया। रिबन क्या होता है? दिस होल स्ट्रिप ग्रे पोर्शन इज कॉल्ड रिबन। सो रिबन में क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं और कमांड होते हैं, ठीक। ग्रुप्स एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ ग्रुप्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन द सेंटर। ये जो आपकी कोई भी टैब ओपन करो, जो आपके बॉटम में जो नेम लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिप बोर्ड। यहाँ पर सेंटर में नेम दिया है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और लास्ट वन इज एडिटिंग। इसके बाद कोई ग्रुप नहीं है, ओके। सो दीज आर कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द सेंटर, ओके। रिबन के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बॉटम में, सेंटर में, पोर्शन में। तो ग्रुप समझ में आ गया। ग्रुप बाकी जो भी बीच में सब लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड कमांड्स। आप कोई भी कमांड ले लो, लाइक कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, हाईलाइट, फॉन्ट कलर, आप कोई भी पिक कर लो आइकन, दीज आर कॉल्ड कमांड्स। क्योंकि आप इस पर्टिकुलर कमांड पे क्लिक करोगे, आपके उसी अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग आपके सेल्स में विजिबल होगी। लेट समराइज द रिबन। रिबन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एज वेल एज कमांड। क्या बोल रही हूँ मैं? रिबन क्या होता है? रिबन में ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स से रिलेटेड कमांड होते हैं। आई हैव यूज द वर्ड रिलेटेड। क्या मतलब होता है इसका? सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट ग्रुप। दिस इज द फॉन्ट ग्रुप। सो इन फॉन्ट ग्रुप ऑल द कमांड्स, मीन्स जो भी इसके जो लाइन्स बनी है, इट मीन्स ये डिवाइड कर रही है इस फॉन्ट ग्रुप को। तो फॉन्ट ग्रुप में कितने कमांड्स हुए? फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट साइज डिक्रीज, फॉन्ट साइज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, हाईलाइट कलर, फॉन्ट फॉन्ट कलर, ओके। सो ये सारे कमांड्स फॉन्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर ये लाइन एंड हो रही है, बिग लाइन देखना, स्मॉल लाइन की बात नहीं कर रही, स्मॉल लाइन डिवाइड करती है कुछ पोर्शंस को। सो बिग लाइन एक यहाँ डिवाइड हो रही है, एक यहाँ डिवाइड हो रही है। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर कौन से कमांड आएंगे? ये सारे, ठीक, जितने भी टू लाइंस के बीच में है, ओके ओके। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर दीज। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग वॉट आर रोज, कॉलम्स, सेल, एक्टिव सेल, सेल एड्रेस एंड मैनी मोर थिंग। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, सी दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मुझे दिख रही है। सो दीज आर कॉल्ड रो। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, मीन्स इस शीट में क्या होता है? रोज होती है। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स क्लिक करोगे, यू विल सी दिस वन इज द रो। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इज कॉल्ड रो। एंड इफ यू आर टॉकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, मीन्स इफ वी क्लिकिंग ऑन एनी वर्टिकल स्ट्रिप, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। सो वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहलाती है? कॉलम। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स क्या कहलाती हैं? रोज। सो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम मेक दी सिंगल सेल, ओके। सो हर रो कहीं ना कहीं किसी कॉलम से इंटरसेक्ट करेगी। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम
make a cell. Okay, so if we minimize it, so you will see there are many cells given over there. Okay, so if we are talking about rows, so there are 65,536 row in a single sheet. Sheet की बात क्यों कर रही हूँ? Because ये एक single sheet है. If इसको आप बिल्कुल minimize कर दो, then you will see there are lot of rows and columns are given over there. Okay, so how many rows in an Excel sheet? There are 65,536 rows. And what about columns? Columns are 256. Okay, now one more things related to the rows and column. Rows are identified by a number. You will see this one is the horizontal strip. Horizontal strip mein you will see numbers given over there. Aap neeche bhi dekho, sab mein numbers hi diye hain. So horizontal strip rows ko hum kisse represent karte hain? Number se, means 1, 2, 3. Aur column ko kaise represent karte hain? By a letter, means A, B, C till Z. Z ke baad doubling start hoti hai, means double A, double double A, A B, A C, A D, A E till A Z tak jayega, fit doubling start hogi. B A, B B, B C, C D, acid, I think you can relate it. Doubling start hogi, if doubling finish ho jayegi, then tripling start hogi. Okay, and so on. So, samajh mein aa gaya, rows kisse identify hoti hain? Number se. Aur column kisse identify hote hain? Letter se. Theek? So, ab hum kisi bhi cell ka name kaise identify karte hain? Let's see that. So, सेल का नेम रिफर करते हैं हम सेल एड्रेस से. द नेम विल बी यूज सेल रेफरेंस और यू कैन से सेल एड्रेस. नाउ फर्स्ट यू विल राइट कॉलम लेटर, देन यू विल राइट रो नंबर. पहले आप लेटर लिखोगे, उसके बाद उसका रो का नंबर लिखोगे. फॉर एग्जांपल, इफ मुझे इस सेल का एड्रेस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? A1. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, B1. मुझे कैसे पता चल रहा है? इफ आई एम क्लिकिंग ऑन अनदर सेल, तो देखो ये ऊपर टॉप पे हाईलाइट हो रही है अलग से, मींस इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, इसलिए मुझे पता चल रहा है मेरे को बी सेल में हूँ और फोर्थ रो में हूँ. ओके, इफ वी क्लिकिंग ऑन दिस, मींस थर्ड सी कॉलम इज हाईलाइटेड एंड हेयर टू रो इज हाईलाइटेड. तो व्हाट इज द सेल नेम ऑफ दिस? C2. ओके, नाउ आई एम क्लिकिंग हेयर B5. आप कैसे चेक कर सकते हो? यू विल सी नेम, यू विल सी एड्रेस ऑफ द सेल इन द नेम बॉक्स. दिस इज द नेम बॉक्स. सी, मैंने आपको बताया सेल का एड्रेस क्या होगा? B5. तो यहाँ पर देखो लिख के भी आ रहा है B5. इफ आई एम क्लिकिंग हेयर, तो इस सेल का एड्रेस क्या हुआ? E2. देखो यहाँ लिख के आ रहा है E2 नेम बॉक्स में. नेम बॉक्स में सेल एड्रेस लिख के आएगा जिस सेल पे करंटली वर्क कर रहे हो. ओके, सो मैंने आपको बताया इन अ शीट देयर आर मेनी सेल्स. सो आपको कैसे पता चलेगा आप कौन से सेल में वर्क कर रहे हो? जिस सेल में आप करंटली वर्क करते हो उसको बोलते हैं एक्टिव सेल. ओके, सपोज मैं इस सेल पे करंटली मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रही हूँ, लाइक इफ आई एम राइटिंग माय नेम. सो दिस सेल इज एक्टिव सेल. क्यों? क्योंकि इस सेल में मैं वर्क कर रही हूँ. ओके, इफ मैं बाकी इससे जो भी इसके आसपास जितनी भी सेल्स हैं वो सेल्स कहलाएंगे, बट जिस पे मैं करेंटली वर्क कर रही हूँ दैट आर कॉल्ड एक्टिव सेल. ये एक्टिव सेल तभी होगा जब मैं इसमें वर्क कर रही हूँ. ओके, इफ मैं इस पर सिर्फ ड्रैग क्लिक कर रही हूँ, इट मीन्स ये एक्टिव सेल है, इसमें आप वर्क करने जा रहे हो. बाकी जितने भी आसपास के सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड सेल्स. I hope you understood what is the difference between cell and the active cell. Okay, now let's move further. If we want to write any formula, like formula कैसे लिखते हैं, कैसे calculation करते हैं, I will explain this in the next video, otherwise ये video लंबी हो जाएगी. So formula, एक basic thing बता रही हूँ, जब भी आप maths में formula लिखते हो एक basic common होता है, आप equals to का symbol लगाते हो. Similarly एक्सेल में भी आप जो भी फॉर्मूला लिखोगे, इवन एडिशन लिख रहे हो,
सब्सट्रैक्शन लिख रहे हो, मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हो, डिवाइड लिख रहे हो, वॉट एवर थिंग यू विल राइट, सो यू विल यूज़ इक्वल्स टू साइन. सो आप जो भी फॉर्मूला लिखोगे या आपने कोई भी नेम लिखा है, कुछ भी आप इसमें कंटेंट लिखोगे, तो वो आपको कहाँ दिखेगा? फॉर्मूला बार में. दिस वन इज़ द फॉर्मूला बार, यू विल सी हियर, ये आपका फॉर्मूला बार होता है. अंडरस्टूड? दिस वन इज़ द नेम बॉक्स, दिस वन इज़ द फॉर्मूला बार. इफ़ आई एम क्लिकिंग हेयर, सो देखो मेरे फॉर्मूले बार में लिख के आ रहा है कि मैंने क्या नेम लिखा है. सो फॉर्मूला बार में आप जो भी सेल में कंटेंट लिखोगे वो फॉर्मूला बार में शो होगा. नेम बॉक्स में क्या शो होगा? उसका सिर्फ एड्रेस, सेल रेफरेंस शो होगा और यू कैन से एड्रेस. सो इसका सेल रेफरेंस क्या है? B3, तभी यहाँ B3 लिख के आ रहा है. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. दिस एरिया विच आई एम सर्किल इट, ये एरिया आपका कहलाता है शीट टैब. क्यों शीट टैब कहलाता है? क्योंकि आप इसमें न्यू शीट ऐड कर सकते हो, इसको वर्कशीट भी बोलते हैं. इफ़ आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, देखो एक आपके सामने एक और वर्कशीट आ गई. वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू, एट द स्टार्टिंग आपने ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट किया था. सो जैसे आपकी नॉर्मल बुक भी होती है, तो उस एक बुक में काफ़ी सारी शीट्स होती हैं. सिमिलरली आप इसमें मल्टीपल शीट बना सकते हो, और इस शीट को, सिंगल शीट को बोलते हैं वर्कशीट. ओके, सो आपने जब स्टार्टिंग में बनाया था एक वर्कबुक बनाई थी, अब आप वर्क कर रहे हो वर्कशीट में. ओके, सपोज आपको इसका नेम चेंज करना है. इफ आई एम चेंजिंग इट, राइट क्लिक करो, रीनेम पे जाओ, एंड यू कैन राइट इट एनी नेम. इफ आई एम राइटिंग हियर प्रैक्टिकल, सो आई कैन राइट इट प्रैक्टिकल. ओके, आफ्टर प्रेसिंग एंटर की यू विल सी द नेम इज शोइंग इंस्टेड ऑफ शीट वन. शीट वन लिख के आ रहा था पहले, अब यहाँ क्या शो हो रहा है? प्रैक्टिकल. सो यू कैन चेंज एनी नेम, और इवन यू कैन हाइड द शीट. फॉर एग्जाम्पल, राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन द हाइड ऑप्शन, सो यू विल सी शीट टू इज हिडन. इफ आपको शीट टू देखनी है, क्या करोगे? शीट पे क्लिक करोगे एंड अनहाइड पे क्लिक करोगे. जब आप अनहाइड पे क्लिक करोगे, तो आपने जितनी नंबर ऑफ मल्टीपल शीट अनहाइड की होंगी, तो वो आपको शो होंगी. अभी मैंने फिलहाल एक ही शीट टू हाइड की थी, तो मैं उसी को ओके कर रही हूँ, तो देखो शीट टू मेरी विजिबल हो रही है. ओके, सो आफ्टर दैट, लेट मी ओपन दिस. सो मैक्सिमम पार्ट आई हैव कवर. सो दिस वन इज स्क्रॉल बार. जब आपको राइट साइड मूव करना है, यू कैन शिफ्ट दिस स्क्रॉल बार टू द लेफ्ट साइड और राइट साइड. ओके, अप एंड डाउन मूव करना है, तो आप यूज करोगे ये स्क्रॉलर जब आपको अप और डाउन मूव करना है. ओके, इफ आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मूव करना है, देन यू विल यूज दिस स्लाइडर. ओके, सो दिस ऑप्शन इज कॉल्ड स्क्रॉल बार, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट. दिस पार्ट इज जूम इन और जूम आउट. इसी को मैंने यूज करके ये वर्कशीट आपको जूम करके दिखाई है. वेन यू क्लिक ऑन द प्लस आइकन, जब आप प्लस साइड की तरफ मूव स्लाइडर को मूव करोगे, तो आपकी जूम साइज इंक्रीज होता रहेगा, मीन्स आपको और बिग पिक्चर दिखेगी. इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, आप स्लाइडर को लेफ्ट साइड मूव करते हो, देन यू विल चूज सी आपकी जो शीट है वो जूम आउट हो रही है. मीन्स आपको मैंने ये बटन नहीं बताया है, रिबन डिस्प्ले बटन. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, यू विल सी थ्री ऑप्शन गिवन ओवर देयर, ऑटो हाइड, शो टैब एंड शो टैब एंड कमांड. एक एक करके देखते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन ऑटो हाइड रिबन, तो क्या होगा? ये रिबन जो आपका विजिबल हो रहा था, ये हिडन हो जाएगा. जब आपको यूज होगा, तभी आप इस पर क्लिक कर पाओगे. देखो रिबन हट गया यहाँ से, जो आप जहाँ पर आप वर्क कर रहे थे जिस शीट पे, वो एनलार्ज हो गई. सो क्लिक करोगे टॉप पे, वो आपको फिर से विजिबल हो जाएगी. ओके, आप फिर से वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, वो फिर हाइड हो जाएगी. ठीक, नाउ दिस वन इज ऑटो हाइड, जैसे नेम मेंशन है कि हाइड दी रिबन हो जाएगा जब आप इसको करेंटली यूज नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट वन इज शो टैब, तो क्या होगा? सिर्फ टैब विजिबल होंगी, नीचे का रिबन
डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ टैब विजिबल होंगी रिबन की, ठीक है। सी फाइल, होम टैब, इंसर्ट, ये सब टैब्स विजिबल हो रही हैं, जो इसके नीचे कमांड और ग्रुप थे वो विजिबल नहीं हो रहे हैं। सो कमिंग टू दी थर्ड, शो टैब एंड कमांड्स मीन्स आपको पूरा रिबन डिस्प्ले होगा, उसमें टैब्स भी होंगी, कमांड्स भी होंगे और ग्रुप्स भी होंगी, ठीक। सी टैब्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं और कमांड्स भी हैं, ठीक। आई होप आई हैव कवर्ड मैक्सिमम पार्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इज द इंटरफेस ऑफ दिस एक्सेल शीट, क्या इसका इंटरफेस होता है, वॉट आर द कंपोनेंट्स। सो ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं, आप एक्सेल में आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप एक्सेल में ईजिली वर्क कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी थिंग यू कैन मैंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी ऑन विच टॉपिक आई विल एक्सप्लेन दी नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, यू कैन गिव दी सजेशन इन दी कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज लर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक आइकन इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।